नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत 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 स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी पाठशाला। दोस्तों, आज हम मंचूरियन बनाना सीखेंगे। मंचूरियन बनाने के लिए हमने लिए है गाजर और गोभी। इन दोनों को हमने क्रश कर लिया है। गाजर और गोभी हमने बराबर बराबर क्वांटिटी में लिया है। अब इनको हमने क्रश कर लिया है। तो हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, इसमें ज्यादा डलता है जीरा, जीरा इसमें थोड़ा ज्यादा डलेगा। इस जीरा पाउडर हम ऐड कर रहे हैं, थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा हींग ऐड कर रहे हैं, थोड़ा हमने इसमें नमक भी टेस्ट के अनुसार ऐड कर लिया है, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदा हम उतना ही यूज करेंगे कि हमारे सारे मसाले को बाइंड कर सके। ज्यादा इसमें वेजिटेबल्स बच्चे पसंद नहीं, ये प्रोग्राम अचानक से फटाफट से बना तो हाँ, हमारे पास गाजर और गोभी थी है ना। हाँ जी, इसलिए तो हमने वही डाला। आप इसमें आलू ऐड कर सकते हो, पनीर ऐड कर सकते हो, और जो भी वेजिटेबल्स पत्ता गोभी है, पालक, पालक इसमें कम यूज करते हैं। ये देखिए, हमारा मंचूरियन बनाने का मसाला जो है तैयार हो गया है। हम घर पे बहुत आसानी से मंचूरियन बना सकते हैं, इसका मतलब। हाँ जी, हम घर में बड़े आसानी से मंचूरियन बना सकते हैं। इसमें मैदा डाल के इसको गूंदना है, और अगर आप इसमें अरारोट कह लो या कॉर्न स्टार्च कह लो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा हेल्दी वर्जन चूज करते हैं तो हम इसमें नहीं डालेंगे। पानी लगाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, इसको हमने अच्छे से गूंद। अब हम इसकी गोलियां बनाएंगे। अब हम इसकी गोलियां बनाएंगे। ये देखिए कितनी छोटी छोटी गोलियां हमें बनानी है। ऐसे गोलियां बना के हम इसको फ्राई कर लेंगे, फ्राई करेंगे। गोलियां आप इतनी ही बनाइएगा ताकि वो अंदर से आए। और आपको छोटी छोटी गोलियां बनानी है, ज्यादा बड़ी गोलियां नहीं बनानी है, ताकि जो हमारी मंचूरियन की गोलियां है वो अंदर से भी पक जाए। ये देखिए, हमने कढ़ाई भी डाल दिया है छोटी छोटी गोलियां डाल के। ये ऐसे हमारी गोलियां जो है वो, हमारा घी थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया तो हम गैस स्लो फ्लेम पे बड़ी कर दी, लेट इट बी नॉट मोर देन, मतलब इससे ज्यादा आपको नहीं बनानी। ठीक है, देखते हो कि मंचूरियन के जो बॉल्स हैं वो हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं। इन बॉल्स का साइज फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए, इनका साइज जो है यही होना चाहिए, इसे बड़े नहीं होने चाहिए। और अब हम इसके लिए जो सूप बनाएंगे वो हम बनाएंगे, ग्रेवी बनाएंगे, उसमें हम डालेंगे हॉट एंड सोर सूप का इस्तेमाल, वेजिटेबल सूप। इसके लिए हम सूप का यूज करेंगे। देखिए, मैंने 4-5 पैकेट लिए हैं, 10-10 रुपए वाले हैं। आप बड़े पैकेट, 2 पैकेट आराम से ले सकते हो। तो चलिए हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करते हैं। अब हमने कुकर में ले लिया है थोड़ा सा घी। हम सबसे पहले डालेंगे लहसुन, फिर डालेंगे हींग, और ये हमने लिया है प्याज, और थोड़ा सा अदरक ग्रिल करके क्रश करके। और अब हम इसको थोड़ा सा खिलाएंगे। इसमें कैचअप का इस्तेमाल होता है, अगर आपके पास सोया सॉस अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास सोया सॉस नहीं है तो हम कैचअप यूज कर रहे हैं, कैचअप यूज करेंगे। मंचूरियन के लिए, हमारी ग्रेवी के लिए हमने सबसे पहले अनियन डाला था। अब हम मसाले को अच्छी तरह से पकाएंगे। मसाला हमारा बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। हमारा मंचूरियन में जो हमने प्याज, थोड़ा सा अदरक और लहसुन डाला था, वो मसाला पक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैचअप, टोमेटो कैचअप। लगभग हमने आधी कटोरी की, लगभग आधी कटोरी हमने टोमेटो कैचअप यूज किया है। आप इसमें टोमेटो प्यूरी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट इतना स्वादिष्ट नहीं आ रहा था जितना आप देख सकते हैं। ये रंग इसने दे दिया है अपना, इतना बढ़िया लग रहा है। और इसकी कोटिंग मंचूरियन के बाहर बहुत अच्छे से होती है। पॉप के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 नींबू का रस। 2 नींबू का रस लिया है ना, 2 नींबू या 1 नींबू का रस, हमने 2 नींबू का लिया है। आप अपनी कटाई के अकॉर्डिंग ऐड करिए, इतना मैंने छोड़ दिया, अगर हमें जरूरत लगेगी तो हम ऐड करेंगे।
और डालनी होता है। और डाल हम थोड़ा हरा धनिया लाइए शालू। और इस टाइम हम इसमें ऐड करेंगे धेगी धेगी वो कस्तूरी मेथी। कसूरी मेथी तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं कसूरी मेथी। ये हम इमीडिएटली सॉस ऐड करने के बाद ही ऐड करेंगे ताकि इसका फ्लेवर हमारे केचप के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और हम इसको इस्तेमाल कर सकें। अब आप देखिएगा ये हमने जो हॉट एंड सोर सॉप लिया था उसका वो मसाला है पाउडर है, इसको हम डायरेक्ट डालेंगे। आप इसके जगह में अगर नहीं डालना चाहते हो तो आप अरारोट या फिर आप कॉर्न स्टार्च यूज कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है तो हम, और इसके फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। हाँ, और ये हमारे इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। कई लोग इसमें मिक्स वेज सूप भी ऐड कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। वेजिटेबल ऐड करना चाहो आप वो भी कर सकते हो। अब ये देखिए हम इसमें एक गिलास पानी ऐड किया ताकि ये जो सूप हमने डाला है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको थोड़ा सा आपको चलाना पड़ता है ताकि सूप मिक्स हो, और कई बार क्या होता है कि सूप की गांठें बन जाती हैं, तो ऐसे उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ग्राइंडर में इसको एक बार चलाएंगे तो वो ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने और इसमें हमने एक और गिलास पानी का ऐड कर दिया है। कंसिस्टेंसी जो है हम अपने थिकनेस के हिसाब से रखेंगे, जितने हमारे पास मंचूरियन है। हाँ, तो इसको थोड़ा थिक बनाना है ताकि मंचूरियन के ऊपर जो है कोटिंग हो जाए एक किस्म से। देखिए हमारा मंचूरियन की ग्रेवी कितने अच्छे से लग तैयार हो गई है, कितनी बढ़िया दिख रही है। वाह, तो हम इसमें अपने मंचूरियन ऐड करेंगे। मंचूरियन बॉल्स को हम ऐड करेंगे ताकि इसमें अच्छे से जो ग्रेवी बनाई है वो उसका जो एक तरीके से रस है हाँ, वो हो जाए और वो अंदर तक इसके चले जाए। हम उबलती हुई जो ग्रेवी है उसी में ही मंचूरियन को ऐड कर रहे हैं। इससे मंचूरियन हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। सॉफ्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और ये लीजिए, खाने में तो बहुत ही टेस्टी होंगे। इसको हम ज्यादा देर नहीं पकाएंगे, ज्यादा देर पकाएंगे तो मंचूरियन टूट सकती है, उस चीज का हमें ध्यान रखना है। बस थोड़ी ही देर पकाना है। और इसको अब हम हरे धनिया से गार्निश करेंगे। अगर आपको मेरा मंचूरियन का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।